नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। भोजपुर जिले के त्रिभुवानी महादलित टोला वार्ड संख्या 12 के महादलित मजदूरों ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि राशन कार्ड होने के बावजूद डीलर इन महादलितों को करीब 4 साल से अनाज का एक दाना भी मुहैया नहीं कराई है। हैरानी की बात यह है कि वैश्विक महामारी कोरोना और लॉकडाउन के दौरान भी इन महादलित समुदाय के लोगों को अनाज का एक दाना भी मुहैया नहीं कराया गया। तब जाकर इनका धैर्य टूट गया और इन महादलित परिवार ने इसकी शिकायत BDO बड़हरा, CEO बड़हरा, अनुमंडल पदाधिकारी और आरा के जिला अधिकारी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य सचिव बिहार और केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से की, जिसके बाद ADSO अभयकांत मिश्रा, जो MO के पदभार में हैं, 7 मई को जांच करने पहुंचे। जांच के दौरान महादलित परिवार का राशन कार्ड वैध पाया गया और ये भी सामने आया कि राशन कार्ड का राशन आवंटन हो रहा है, लेकिन इन लोगों को डीलर राशन मुहैया नहीं करा रहा। इसके साथ ही डीलर धनंजय सिंह और परमेश्वर सिंह खुद ही अंगूठा लगा इन लोगों का राशन हड़प जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जांच हो जाने के बाद भी आरोपी डीलर के खिलाफ ना तो अब तक कोई कार्रवाई की गई और ना ही महादलित परिवारों को अब तक राशन मिला है। 9 बरिस के बाद अब हमरा से बतियाबो इनका भी फिर इसी में है, ये है इनका भी है। क्या कीजिएगा, कोई दे नहीं रहा है तो सर मान लीजिए कि वो तो छोड़बे ना करेगा कि मेरा पिछला कितना उनसे नहीं मिल रहा। आपको भी तो सर 6 साल तक 5 साल तक जैसे जिस दिन कार्ड बना है जानकारी होगा तब से हम करेंगे। ठीक है, आप अभी से कार्रवाई कीजिएगा सर। ठीक है, हम लोग का मान लीजिए क्या करवाई हमको करवाई उसका चेक करेंगे रिकॉर्ड और रिकॉर्ड में गड़बड़ी किया होगा आपके नाम पर उठा के खाया होगा तो जाएगा भी तो के खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे लिखेंगे। एक चीज बात जल्दी आ गया परिस्थिति सारा देख लिए कि लोग गलत बोल रहे हैं सर। कार्ड भी सर आप गलत बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं? आपके नाम पर अगर कोई पाया है जी तब ना उठाएगा। अच्छा एक चीज सर, मेरा माल उठा रहे हैं आप दे नहीं रहे हैं, आपका ही नहीं मिल रहा है, आपके पूरे जिले पंचायत भर के लोगों के लिए मिल रहा है, उसमें आप नहीं उठाया तो आप कलेक्ट कर गया। आपके नाम कुछ नहीं, किसके पास गया? कैसे खत्म है? 10 आदमी है या 9 आदमी का राशन आता ऐसा तो नहीं है सर। ऐसा है अनाज कम आता है पूरे 28,000 यूनिट का बढ़ारा में कम अनाज आपका 120 यूनिट 28,000 यूनिट का अनाज कम आता है जिसको लिखा गया है बार बार बढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ से परमिशन नहीं आता। ऐसा नहीं है कि सब अनाज मिल जाता है, आपके नाम पर हम लोगों के नाम पर जिनका नाम है यहाँ भेजे हैं, अगर कोई डीलर लोग उठा कर खाया होगा, रसीद काटा होगा, खाया होगा तब वो जाएगा। अभी सर चेक किए ना चेक किया कि कार्ड जेन्युइन है? कार्ड बहुत सा जेन्युइन है, कार्ड तो बहुत सा जेन्युइन है, जो नहीं जाएगा उसको थोड़ा उठता है, जो नहीं जाएगा वहाँ उसका सामान थोड़ा उठेगा। हमारा पास 5 साल 6 साल से कोनो इलाज नहीं, हमारा पास कंप्लेन आई बा ये बरा से अनाज उठाओ के बाद उठाओ ये बरा से सर अनाज आज रुगस करवाई से उठी आज से उठी मिल जाई करवाई हम तो कर वापस तोरा ऊपर कर दूं कर साहब साहब नहीं भाई बोले साहब कौन आधार पर मिली हम जांच करेंगे आपको दिलवा देंगे हम लोग बैठ करके
और अगले महीना से चालू हो जाएगा, और उसके बाद हमरा हम चेक करेंगे, उनका रिकॉर्ड मांगेंगे, दो साल तीन साल का जो आप बता रहे हैं कि पीरियड का गबन पीरियड है उसका रिकॉर्ड मांगेंगे, और कल तक अनाज उठाव होगा, कल बंद हो जाएगा अप्रैल का। अच्छा, इसमें अगला महीना के विराजमान लिखा है सर, हमने ना सर कहते न कि आगे अगर वो लोग उठाए होंगे तो उसको जांच करके कार्रवाई किया जाएगा। आगे काल तक राशन मिली, आज काल में रोड़ा तो राशन उठा ली ना, तो लोग उठा ले सर, कई लोग लग सके, एक मिनट सुन ले, इतना होगा सर तो दिक्कत ना भाई, जो हो जाए का दिक्कत, मतलब सारा दिक्कत बन गई तो हम क्या करें। सुन ली सर, राशन दिन कर दे ला, करवा दूंगा कागज, वो सारा वो पांच पांच साल के राशन तरह छह साल के नहीं मिलेगा, सारा ये हो उन लोग के लिए। अच्छा ठीक बस सर, मान ली थक हार कर इन परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से इसकी शिकायत की है। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर महादलितों के रहनुमा और सुशासन वाली सरकार का चेहरा इतना विद्रूप क्यों है? क्या सचमुच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपने अधिकारियों पर लगाव नहीं? अगर ऐसा नहीं होता तो इन महादलित परिवारों को राशन मिल गया होता। हम उम्मीद करते हैं बिहार सरकार आरोपी डीलर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर महादलित परिवारों को न्याय दिलाने का काम करेगी। सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि कोरोना काल में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर इन महादलित परिवारों को तुरंत इनके हिस्से का राशन मुहैया कराएं।